राम बाबू बोलत ना है अब भावरी मिल जाए वो वाली बेसन वाली गप्पा गप ले ले जा। संदीप भैया हमारे महाराज हमारे ऊपर खुश सोच दिए हैं, 20 रुपए का पुरस्कार दिए हैं भाई। बहुत सही महाराज। हेलो क्या हाँ महाराज जी सुना तो थो याग यहाँ जनता जितना बैठी पे ऐसा गाना सुनावा। अरे मास्टर जी हेलो हेलो आई मास्टर जी कहने का बा हरी आंख से छलकाया सू हरी आंख से छलकाया सू और जाट पे का शराब में आंख से छलकाया सू और जाट पे का शराब में और जाट पे का शराब में आग से छलकाया सू और जाट पे का शराब में आग से छलकाया सू की जाट पे का शराब हो दिल में चुभा जो काटा हो दिल में चुभा जो काटा जान के ला गुलाब में। ये देखा सुन सुन यादव रावण के काम था। हाँ भैया मैं सुन सुन भैया हरे दिल में चुभा जो काटा दिल में चुभा जो काटा जान के ला गुलाब में आग से छलकाया सू और जाट पे का शराब में आग से छलका से लूटो मैं लूटने आई हो दिल में चुभा जो टाटा दिल में चुभा जो काटा जान निकला गुलाब में आग से छलकाया सू और जाट पे का शराब में आग से छलकाया सू आगे अखिलेश भौरी वाले उनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। नमस्ते करती हूँ। वाह अखिलेश वाह। आइए मास्टर जी इसी कड़ी में कहने क्या है। हेलो बोलिए। आइए मास्टर। हेलो लाइन चेंज। पी पी के सरबिया सैया बाबा हो पीपी के सरबिया सैया हो कैला देहिया के खराबी मोरे शराबी राजना हो मोरे शराबी राजना तू बउरा बन के अला मोरे शराबी राजना भैया
आगे मास्टर जी अखिलेश यादव भौरी वाले, और आगे 10 रुपया दिए इनकी तरफ से, और आगे छाया हुआ नाम निषाद जी मछली वाले, अरे आगे कृष्णा यादव जी उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। नमस्ते करती हूँ मास्टर। पीपी के सरबिया सैया कैला देहिया के खराबी मोरे सराबी राजना, मोरे सराबी राजना तू बहू रहवा बन के यहीला मोरे सराबी राजना। महाराज बहुत सही बात कर रहे हैं। जिसका माधी ना सिखिया है वह बेढ़ा औघट घाट सधा, जिसने सलाह लियो जो से वह घर है 12 बाट सदा। और सुनिए मेरी बात को, उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है, दूंगा कदम जानकी नहीं जब तक मेरे दम पे दम है। बहुत सही महाराज बहुत सही कह रहे हैं, मानना पड़ेगा। लंका के वीरों रणधीरों बोलो क्या राय तुम्हारी है, पहली सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। बहुत सही महाराज। प्रभु प्रभु मेरी बात सुनिए, क्या कहना चाहते हो? तुम बालक हैं छोटे छोटे, कुछ फलुए हैं कुछ बन रहे हैं। बहुत सही भैया, लंका वालों के आगे तुम फिर कह रहे हो सब भूल गए हैं सब भलुए। और क्या है, अपने जो चले चबे में है उनका सोचे उपाय क्या है, राजा धीराज आनंद करे हम चाह
बहुत सही कह रहे हैं भाई, बहुत सही कह रहे हैं आप। अनर्थ अकाल, इस मोह देखी बात से गिरा दिया है राज। सुनिए मेरे भाई, मेरी बात को सुनिए। कहिए भाई भविष्ण, क्या कहना चाहते हो? निश्चय किसकी बूंदे है जो मीठी या जीवा जीवा की लालच कागज की तीरक बनिया है। और सुनिए भाई भाई, कहिए जो पुरुषोत्तम है बालक उनको ठहराया है, रण धीरे धीरे मान नर दल को भुनगात मच्छर ठहरा। जिस मत पर पत्थर पड़ जाए, जिस मुख पर बिजली गिरी जाए, वह राज सुरक्षित हो कैसे जिसके सचिव भाई धीर धरो सुनो अब कुछ मेरी बात। ऐसे चिकने मर्द हूं जो पब्लिक ऊपर। भैया मेरी बात को सुनो। कहो भविष्ण, क्या कहना चाहते हो? तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, शोभायान है तुझे नहीं नो नीच धर्म मर्यादा। और सुनो भैया भविष्ण, क्या कहना चाहते मिटा डालो या अर्पण कर उनकी सीता को, यदि रघुकुल को पित से मित्रता बढ़ा माल बढ़ाओ लंका। स्वच्छ रूप है जानकी जगदम्बा जगमात, उन्हें त्रा दे अन्न है कुजम नहीं है भ्रत। बस मान भविष्ण हो, अर्जित है दंड सदोवर का। इस समय और कोता होता कोई तो अभी काट देता सिर को। सुनिए मेरी बात को। कहिए भैया। दुश्मन के आगे सिर झुकाए रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। और सुनो मेरी बात। कहिए। घरवाला होकर के घर को अपमानित करा रहा है तू, अबरू छत्र सिंहासन की मट्टी में मिला रहा है तू। कुलद्रोही कावेर कुबोत ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही ज्ञान सिखा अपना, जब मिल जाए तब से बच्चोगे।
भैया आपने बहुत गलत किया। ला नमस्कार, देश निकाला भी मुझे है संघर्ष क्या, जाओ। अरे भाई जब तक भाई भाई परपुर निभाई सेवा है, जब लात लगाई भाई ने यह भी भाई की चाहे। हेलो, विष और अमृत दोनों पदार्थ यद्यपि समुद्र से निकले हैं, इस तपरीस में तत्व मरण के है उसमें जीवन देने के है। अपराध क्षमा करना उसको जो हो करे, मैं आज कठोर चला लंका हो तुझे मुबारक मैं रामचंद्र की मूर्ति। जाओ भैया तो चल रहा राम साथे राम की है ना चल रहा। हम अपने राजा का मनाई है त्योहार मनाई है। लंका ली दई है बताव भगवन, हो बताव भगवन भेंट कैया। प्रभु कहिए भाई सुग्रीव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हो? कुछ नया सॉन्ग है गा हुआ, बैरी का भ्राता आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ। प्रभु मेरी बात सुनिए। हाँ कहिए भाई सुग्रीव। रजनी चर सब माया भी है, सीधा न समझिएगा इनको, उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं यह दक्षिण। और सुनिए प्रभु। हाँ कहिए भाई सुख। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं, बधवा कर अभी बानरों से बंदी बनवा दूं इसको मैं। और सुनिए प्रभु। भाई को बंदी समझ यहाँ, घबरा कर आएगा रावण, सीता माँ को दे जाएगा इसको ले जाएगा रावण। धीरज धरिए तात, अपने को शोभित न देता ऐसी औचित बात। ठीक है प्रभु। जो निर्मल है जो निश्चर है, वही जन मुझको पाते हैं, चालाक पतंची भूत भांति मेरे ही सम्मुख आते हैं। यदि
रखूंगा मैं अपने सम्मुख बिठे लाऊंगा लक्ष्मण के जैसा मैं उसे भगवान हेलो हेलो सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय महाराज सुग्रीव मेरी बात सुनिए कहो हनुमान क्या कहना चाहते हो निश्चय शरणागत है प्रभु तू सेवा काज चाहता है फिर इस आशा से भी आया वह देखा का राज चाहता है हम सभी उसे ले आते हैं वह साथ हमारे आएगा अपना तो महालाभ है बरका भेदी मिल जाएगा तुम ठीक कहते हो हनुमान अरे जरा देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है के राजा रावण के भाई भीषण है और कहिए लंकेश कुशल तो है घर में भी सब प्रशंसा है राम मुझ में प्रकृति है क्या इच्छा है क्या राजा जिसने प्राण गंवाया हाँ
वह दास सदा बड़े भागी है जो प्रभु चरणों का अनुरागी है। जन्म निष्कंटक निर्भय है जिसका रघुकुल शासन है। और सुनिए प्रभु। हाँ कहिए विभीषण भाई। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया है रघुनायक मेरी पाह गहो मैं शरण। धन धाम छोटा परिवार छोटा इसकी न मुझे कुछ चिंता है। इस ध्यान बीच में कुछ और हुआ इसकी भी न और लालसा है। अब तो जन यही चाहता है जन गणनायक के पास रहे इन चरणों में ही पड़ा रहे इन चरणों का ही दास रहे। हे किसी किंधापति लंका बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चित पद दस कंधर को किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस योजन सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ दीक्षा है कुल तैयार कर सकते हैं। सुनिए भैया मेरी बात को। जो कार्य शीघ्र ही करना है होता ही नहीं बिना ही बातों में अभी नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। और सुनो भैया चल जाए धनुष पर बाण अभी तो उसका गर्भ हरण होगा। फिर सागर हो या महासागर आरत हो चरण सरल होगा। जो भी करना हो भैया जल्दी किया जाए। ठीक है लक्ष्मण। सुनिए प्रभु। हाँ कहिए भाई सुग्रीव। यही अवसर मुहूर्त का है नल नील से तू तैयार करो शुभ कार्य करो शुभ कार्य करो शुभ कार्य करो शुभ कार्य करो। प्रभु। हाँ कहिए सुग्रीव। हे भाई बतलाओ आगे। हे भाई अब बतलाओ आगे अब कैसे पाँव बढ़ाना है। नंगा पति चुप तो बैठे हैं किस खबर उनका ठाना है। हम तो उनके घर आ पहुँचे वह नहीं युद्ध में आता है। लंका के द्वार बंद क्यों है कुछ भेद नहीं सिखा पाता। सुनिए प्रभु। हाँ
कहिए भाई, फिर ये कृपा निधान रावण साधारण नहीं है, सुजान बलवान। अरे दरवाजे बंद देख कर ही ये समझ न लेना, डरता होगा अपने सचियों के साथ वहाँ, वह भी विचार करता होगा।